हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल. दिस इज़ डॉक्टर छवि गर्ग. आई एम फ्रॉम कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन. इट इज़ बीएड कॉलेज एंड इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन गाज़ियाबाद एंड हापुड़. आज मैं आपको बताऊंगी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरीज कौन कौन सी होती हैं. देखिए, जब भी आप बच्चों में किसी भी लैंग्वेज का डेवलपमेंट करते हैं तो हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे बच्चों में लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है. अलग अलग थ्योरिस्ट ने अलग अलग चीज़ें बताई हैं कि बच्चों में लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो आज हम उनकी मेन मेन थ्योरी पढ़ेंगे. सबसे पहले थ्योरी आती है परिपक्वता सिद्धांत, या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं मैच्योरेशन थ्योरी. देखिए, इस थ्योरी के जो प्रोपाउंडर हैं वो कहते हैं कि हम जो हैं जब बोलते हैं तो उसमें हमारे लिप्स भी साथ देता है, हमारी टंग का भी रोल होता है, हमारा जो अंदर स्वर यंत्र होता है उसका भी होता है, हमारे लंग्स का भी रोल होता है. तो जिस बच्चे में ये सारे अंग मैच्योर हो जाते हैं वो बच्चा अच्छे से बोलना सीख लेता है. और जिस बच्चे की होंठ, लंग्स, या फिर जो उसके अंदर स्वर यंत्र होता है या फिर उसकी जो लिप्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं होते तो वो अच्छी तरीके से सीख नहीं पाता. लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि बहुत से बच्चों का सेम मैच्योरेशन स्टेज होती है, मीन्स उनके ये अंग पूर्ण रूप से विकसित होते हैं लेकिन फिर भी उनकी भाषा सीखने का जो लेवल है वो अलग अलग होता है. कोई बच्चा बहुत अच्छे से लैंग्वेज पे कमांड करता है, बहुत सा बच्चा नहीं लैंग्वेज को अच्छी तरह से बोल पाता. तो ये जो हमारा परिपक्वता का सिद्धांत है ये इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देता है. तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत. देखिए, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत ये बताता है कि बच्चे की जो भाषा का लेवल होता है वो उसके रोल मॉडल के हिसाब से होता है. उसके रोल मॉडल कौन होते हैं बच्चे के? या तो मम्मी पापा होंगे, या स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो हो सकते हैं, या स्कूल के टीचर्स, या कोई उनके बड़े, या आपके जो हैं भाई बहन, ये उसके रोल मॉडल होते हैं. तो वो जिस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं बच्चा भी उसी तरह की लैंग्वेज सीख जाता है. अगर आपके मम्मी पापा घर में बहुत ही गाली दे के बोलते हैं तो आप देखेंगे बच्चा भी नेचुरली गाली देना सीख जाएगा. और अगर बच्चे बहुत ही आप करके बोलते हैं तो बच्चे बड़ों को देखते हैं, अगर बड़े आप करके बोले तो बच्चा भी आप करके ही बोलेगा. आप हिंदी में बोलेंगे तो बच्चा भी हिंदी में ही बोलेगा, क्योंकि बच्चे को कुछ नहीं पता है छोटेपन में, वो जैसा देखता है वो बिल्कुल वैसे ही उसको जो है इमिटेट करता है. तो इसमें अगर आपके घर में सिर्फ इंग्लिश ही इंग्लिश बोली जाती है तो आप देखिए, आप बच्चों को स्पेशली इंग्लिश सिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपका बच्चा अपने आप ही इंग्लिश बोलना सीख जाता है. तो ये हमारी कहलाती है सोशल लर्निंग थ्योरी, कि बच्चा जिनके साथ रहता है, जो उसके रोल मॉडल होते हैं बचपन में, जैसे पेरेंट्स हो गए, ब्रदर सिस्टर हो गए, या टीचर हो गए, तो वो जिस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं बच्चे का भी लैंग्वेज स्तर उसी तरह का हो जाता है. नेक्स्ट है आपका अनुकूलन सिद्धांत, या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंडीशनिंग थ्योरी. इसमें क्या होता है, देखिए कंडीशनिंग थ्योरी को जो है स्कीमर ने भी बताया है अपनी उसमें, तो उन्होंने कहा है जिन चीज़ों से बच्चों को पॉजिटिव वो मिलती है री इन्फोर्सर, तो वो शब्द बच्चे अच्छी तरीके से बोलते हैं, और जिन शब्दों से उनको नेगेटिव री इन्फोर्सर मिलता है वो बच्चे कम सीखते हैं. तो जिन बच्चों को बच्चे जब बोलते हैं तो जिन वर्ड से उन्हें बहुत अच्छा लगता है, जिससे उनकी डिमांड पूरी हो जाती है, जो उनको पॉजिटिविटी देते हैं और जिससे उनका इंटरेस्ट क्रिएट होता है, तो उन वर्ड्स को बच्चे अच्छे से सीखते हैं, जबकि दूसरे वर्ड्स जिनसे उनको नेगेटिव वो होती है उनको वो देर से सीखते हैं. लास्ट है आपका पारस्परिक क्रिया सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में आप बोलते हैं इंटरैक्शनल थ्योरी. देखिए, इसका नाम ही पारस्परिक क्रिया सिद्धांत है या इंटरैक्शनल थ्योरी. इसका मतलब ये कोई एक अलग से सिद्धांत नहीं है, ये परिपक्वता सिद्धांत, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत और अनुकूलन सिद्धांत सबको जो है मिला जुला कर लेता है. ये कहता है कि कोई भी थ्योरी अपने आप में पूर्ण नहीं है जो ये बता सके कि बच्चों में लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होता है. बच्चों में मैच्योरेशन भी ज़रूरी है, कि उसकी जो टंग है, लिप्स हैं, थ्रॉट है, लंग्स हैं, ये पूरे डेवलप होने चाहिए
तभी वो अच्छे से बोल सकता है। दूसरा, मैच्योरिटी के साथ साथ उसके जो रोल मॉडल होते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, जो टीचर्स होते हैं, उनका बच्चों के लैंग्वेज पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वो लोग जैसी लैंग्वेज बोलते हैं, बच्चा की लैंग्वेज भी उसी हिसाब से डेवलप होती है। और फिर कंडीशनल थ्योरी के हिसाब से जो वर्ड बच्चे को अच्छे लगते हैं बच्चा उनको जल्दी सीखता है, और जो वर्ड अच्छे नहीं लगते हैं उनको बच्चा देर से सीखता है या उस पर उसका इतना कमांड नहीं होता है। तो एक तरीके से पारस्परिक क्रिया सिद्धांत इन सब का मिक्सचर ही है जो हमने पहले सिद्धांत बताए हैं। इसमें वो कहते हैं किसी एक थ्योरी से नहीं बल्कि सभी मिली जुली थ्योरी के इफेक्ट होते हैं जिनसे कि बच्चा सीखता है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन जब मैंने आपको बताया होगा तो आपको लगा होगा कि ये बहुत ही इजी है, क्योंकि जैसे हम सीखते हैं हम अपने से रिलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि हम भी बच्चे को जो है इसी तरीके से सीखा था जब हम बचपन में थे। तो ये थी आपकी थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।